गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 2। सब्जेक्ट आपका एसएसटी है और एसएसटी में हम नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ रहे हैं। पिछली कुछ वर्कशीट में हमने क्या जाना था, रिसोर्स क्या होते हैं। रिसोर्स क्या होते हैं, कोई भी ऐसी चीज जो हमारी आवश्यकता, हमारी जरूरत को पूरा करती वो रिसोर्स कहलाती है। तो अभी हमने ये भी जाना था कि कुछ रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू होती है और कुछ की नहीं होती। इकोनॉमिक वैल्यू का मतलब होता है कि भाई आप उनको पैसों में बेच सकते हो, ठीक है। इन अ वर्कशीट वी हैव लर्न दैट एनीथिंग दैट हैज सम यूटिलिटी और यूजेबिलिटी, कुछ उपयोगिता और कुछ यूज जो होता है उसका, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम रिसोर्स बोलते हैं। दिस यूजेबिलिटी मे और मे नॉट हैव इकोनॉमिक वैल्यू। तो यूजेबिलिटी जो है जरूरी नहीं है उसकी कुछ इकोनॉमिक वैल्यू हो। लाइक आप किसी ब्यूटीफुल सीनरी को देख रहे हो, तो ब्यूटीफुल सीनरी को आप किसी को बेच नहीं सकते हो ना। आप बहुत जो फ्लावर्स हैं, ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं, या फिर आप सुबह उठ के जो सीनरी देखते हो, लेकिन वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है ना। तो द ब्यूटी ब्यूटीफुल लैंडस्केप डज नॉट हैव एनी इकोनॉमिक वैल्यू। बट ऑन अदर हैंड मेटल्स हो गई, जैसे धातु हो गई, लोहा हो गया, तांबा हो गया, ये सब चीजें, और जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स में क्या क्या आता है, कोल, पेट्रोलियम, ठीक है, नेचुरल गैस, ये सब हैव ए इकोनॉमिक वैल्यू। इनकी इकोनॉमिक वैल्यू है, अगर आप इनसे इनको बेचोगे तो इनका आपको कुछ पैसा मिलेगा। बोथ, लेकिन दोनों ही क्या है, इक्वली इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे काम आते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइज, क्वेश्चन उठता है, अराइज का मतलब होता है उठता है, ठीक है। और ऑल द रिसोर्सेज दैट हैव टेबुलेटेड इन द प्रीवियस वर्कशीट कम फ्रॉम द सेम सोर्स, वगैरह, कि क्या सभी रिसोर्सेज जो भी हैं एक ही सोर्स से आते हैं। सोर्स होता है कोई चीज कहाँ से मिल रही है, ठीक है। जैसे आपका फूड का सोर्स क्या है, ठीक है, फूड का सोर्स क्या है, प्लांट्स। हमारे फूड का सोर्स क्या है, प्लांट्स। अब हेयर इज अ लिस्ट ऑफ सम सब्सटेंस, लाइक ये सब्सटेंस दिए हुए हैं, तो आपको इसमें से यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, क्या आइडेंटिफाई करना है, कि जो हमें नेचर से मिले हैं और जो ह्यूमन मेड है। तो आप क्या करेंगे, जो मिट्टी है आपकी कैसी है, नेचर से मिली है, यहाँ पे लिख देंगे इस वाले में। फिर फॉरेस्ट जो है वो भी हमें कहाँ से मिलते हैं, फॉरेस्ट जो है हमें नेचर से मिलते हैं, ठीक है। फिर मिनरल्स भी हमें नेचर मिले तो नेचर से ही है, ठीक है। फिर रिवर्स नेचर में ही है, एंड देन माउंटेन्स, माउंटेन्स एंड देन आपका कोल, जो भी येलो में लिखे हुए हैं, जो भी जिन पे भी मैंने येलो कलर किया वो सारे आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। बाकी जो रह गए, जैसे ट्रॉय हो गया, व्हीकल्स हो गए, ठीक है, व्हीकल्स हो गए, ब्रिज हो गया, जो भी रह गए, ये वाले इन पे गोला लगा रही हूँ मैं, इनका क्या करेंगे आप, इनको आप लिख देंगे मेड बाय ह्यूमन, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या है, व्हाट डिड वी नोटिस अबाउट द सब्सटेंस वी राइट इन द फर्स्ट कॉलम, आर दे यूजफुल टू अस, यस, ये भी हमारे यूजफुल है। देन यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। फिर आता है व्हाट इज द कॉमन इन ऑल द सब्सटेंस गिफ्ट फ्रॉम नेचर, और ये है हमारे, हमें क्या गिफ्ट फ्रॉम नेचर। अब जो धूप है, धूप की कोई इकोनॉमिक वैल्यू तो है नहीं ना, लेकिन गिफ्ट है ना हमारे लिए नेचर। व्हाट कैन वी कंक्लूड, द सब सम सब्सटेंस आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर। तो इसमें से हमें पता लगा कुछ सब्सटेंस क्या है, हमें नेचर से मिले हैं, और कुछ ऐसे हैं जो ह्यूमन बनाते हैं। तो जो नेचर से मिलते हैं, जिनमें हमें ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करना पड़ता, तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेस। क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेस, रिसोर्सेस सोर्सेस बोलते हैं, ठीक है। नाउ आर ऑल द नेचुरल सब्सटेंस सेम, लेट अस फाइंड आउट, ठीक है, क्या सेम होते हैं। तो यहाँ पे क्या करोगे, दोज विच आर अनलिमिटेड इन नेचर एंड रिन्यूड क्विकली। जो नेचर में क्या होते हैं, जो अब नेचुरल रिसोर्सेज में भी इन्होंने क्या किया, दो कैटेगरी बना दी नेचुरल रिसोर्सेज की भी, ठीक है। पहले तो हमने क्या किया, जो रिसोर्सेज ही है उसकी दो कैटेगरी बनाई, एक ह्यूमन मेड और एक नेचर से मिले हुए, ठीक है ना। और फिर हमने क्या किया, फिर और हमने एक कैटेगरी बना दी जो नेचर से मिले हुए, उनकी भी दो, उनकी भी हमने दो बना दी, जो जल्दी रिन्यू हो जाते हैं, ठीक है, जो जल्दी रिन्यू हो जाते हैं, और जो अनलिमिटेड अमाउंट में है, जैसे कि धूप है बहुत ज्यादा है, पानी है काफी है, मिट्टी है, पेड़ पौधे हैं, है ना, तो ये हमारे अनलिमिटेड है, और काट दोगे तो दोबारा जल्दी बन जाएंगे। अब आती है दूसरे, दोज विच हैव अ लिमिटेड, कम है एंड टेक थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू रिन्यू। तो मिनरल हो गया, यहाँ पे क्या आ गया, मिनरल्स हो गए आपका, फिर यहाँ पे कोल हो गया, ठीक है, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, नेचुरल गैस हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हो
विंड, सनलाइट, वाटर। ओके, अब चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द अबव ऑब्जर्वेशन। ऊपर की ऑब्जर्वेशन से हमने ये जाना कि कुछ जो नेचुरल सब्सटेंस, दोज आर सम नेचुरल सब्सटेंस विच आर फाउंड अबंडेंटली। अबंडेंटली का मतलब होता है, अबंडेंटली का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा अमाउंट में, ठीक है, बहुत मात्रा में पाए जाते हैं इन द नेचर एंड गेट रिन्यूड। जल्दी से रिन्यू हो जाना, दोबारा बन जाना, रिन्यू मतलब दोबारा बन जाना, क्विकली आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेस। अब आप लोगों को ना रिन्यूएबल की स्पेलिंग थोड़ी मुश्किल लगती होगी, मैं आपको कहती हूँ कि जब भी मुश्किल, रिन्यूएबल, ठीक है, तो इसको तोड़ के याद किया करो, तो ये बन गया रिन्यूएबल, ठीक है ना। अब कुछ सब्सटेंस जो लिमिटेड होते हैं और जो एग्जस्ट मतलब खत्म हो जाना, खत्म हो जाना। अब एग्जस्टेबल को कैसे याद करोगे, एग्जिस्ट, एग्जिस्ट, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे, हम यहाँ पे एग्जस्टेबल को कैसे याद करोगे, एग्जोस्टेबल, ठीक है, एग्जस्टेबल, एग्जस्टेबल, या फिर एग्जोस्टेबल, ठीक है, एग्जोस्टेबल। इस तरीके से वर्डों को तोड़ोगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। तो हमें याद रखना चाहिए जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो भी एग्जिस्टेबल हो सकते हैं अगर हम उनका केयरलेसली यूज करेंगे। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं, ठीक है बच्चा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स को। ओके देन स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द नेचुरल रिसोर्सेज, गिव सम एग्जांपल, एनीथिंग दैट हैज सम यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज कॉल्ड अ रिसोर्स, ठीक है। देन डिफरेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल दोबारा बनने वाले, नॉन रिन्यूएबल जो बहुत टाइम में बनते हैं। तो टेबल बनाओगे, टेबल में लिखोगे, रिन्यूएबल जो होते हैं अनलिमिटेड होते हैं नेचर में, बहुत सारे होते हैं, जल्दी रिन्यू हो जाते हैं, लिमिटेड होते हैं नॉन रिन्यूएबल, और थाउजेंड ऑफ ईयर लग जाते हैं रिन्यू होने, ठीक है। एग्जाम्पल सोयल, फॉरेस्ट, यहाँ पे एग्जाम्पल कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, ठीक है। अब आपको ये याद भी करना है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नेचुरल रिसोर्सेज इन द रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, क्लासीफाई करना है। तो हमने एक और टेबल बनाई, रिन्यूएबल में हमारे आगे फॉरेस्ट, वाटर, सनलाइट, विंड, यहाँ पे आगे आपका पेट्रोल, कोल और आयरन, ठीक है, ये आपने क्लासीफाई कर दिए। क्लासीफाई मतलब उनको कैटेगराइज करना। राइट एन इमेजिनरी शॉर्ट स्टोरी ऑन द लाइफ आफ्टर स्वीट वाटर रिसोर्सेज गेट एडजस्टेड। आपको पता है हमारी अर्थ पे, ठीक है, ऑलमोस्ट 70% वाटर है, ठीक है, यानी कि 70% पानी है। फॉर एग्जाम्पल हमारी जो आपको ये छोटे छोटे ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके दिखता है कंटिनेंट्स बना हुआ, तो बाकी जगह सब जगह पानी है। अब ये जो पूरा पानी है ना, इसमें से इस 70% में से सिर्फ 3 अप्रोक्स 2.97%, ठीक है, पीने योग्य है। बाकी पानी इतना साल्टी होता है कि अगर हम लोग पियेंगे तो हम टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, हम मर जाएंगे। टॉलरेट मतलब सहन करना, ठीक है। बिकॉज अर्थ इज ओनली प्लेनेट टू हैव वॉटर, केवल अर्थ ही ऐसा प्लेनेट है जिसपे पानी मिलता है। अबाउट 3% ऑफ वॉटर इज पोर्टेबल, पोर्टेबल का मतलब होता है पीने योग्य, पीने। इफ ऑल द स्वीट वाटर गेट एग्जस्टेड, एग्जस्टेड का मतलब खत्म होना, कैसे याद करोगे, एग्जॉस्ट, ठीक है, इट, ठीक है, एग्स, एग्जाम्पल लिखते हो ना, एग्जॉस्टेड, ठीक है, इस तरीके से। इफ ऑल द स्वीट वाटर गेट एग्जस्टेड देन द ह्यूमन स्पीसीज विल नॉट सर्वाइव बिकॉज, ठीक है, सर्वाइव, सर वाइव, ठीक है, इस तरीके से तोड़ तोड़ के स्पेलिंग याद करोगे तो मुश्किल नहीं लगेगी। अगर हम साल्टी वाटर पियेंगे तो जो ह्यूमन है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि जो ह्यूमन की साल्ट टॉलरेंस की कैपेसिटी होती है वो बहुत ही कम होती है, ठीक है बच्चों। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, आई होप सो अच्छे समझ में आए होंगे। मैसेज जरूर किया करो, बताया करो कि समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ये है आपकी आपकी नहीं मेरी डिटेल, मेरे बारे में जान सकते हैं। सब्सक्राइब आप कर ही दोगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, मुझे लाइक अच्छा लगता है। वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, सो दैट सभी को अच्छे से पढ़ने का मौका मिले। बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ऑल नोटिफिकेशन सेट कर लेना ताकि सभी नोटिफिकेशन मिले। लाइव क्लास लेंगे हम आपकी कल सैटरडे को, क्योंकि कोई वर्कशीट नहीं आने वाली, तो आपके चैप्टर्स हम लाइव क्लासेस में करेंगे। तो बैक टू बैक लाइव क्लासेस होने वाली है कल और परसों, दो दिन है हमारे पास। तो जूम एजुकेशन लाइव पे आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करें।
टेलीग्राम चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, जो भी कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज मुझे पर्सनली आप लोगों को देना होता है तो मैं टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को पोस्ट कर देती हूँ। ओके बच्चों, एंड इंस्टाग्राम की आईडी भी मेरी पूर्णिमा अतर सिंह से ही है, अगर आप लोग फॉलो करना चाहो तो ढूंढ लेना। मैं अभी अच्छे से मैंने उसको ऑर्गेनाइज नहीं किया, कुछ ज़रा डाला नहीं है, बट धीरे धीरे डाल देंगे, तो सब कुछ आप लोग इंस्टाग्राम पे हो गए तो देख लेना। ओके बच्चा, सो ये थी आज हमारी वर्कशीट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।